दोस्तों आज मैं दिखाने जा रहा हूँ हमारा सबसे मोदी केयर का सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है जिसको हम बोलते हैं टी ट्री ऑयल। ये ऑस्ट्रेलियन ट्री एक पौधा होता है, इसकी पत्तियों और टहनियों से वाष्पीकरण करके इसकी एक एक बूंद बनाई गई है और ये नेचुरली इस पौधे में एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट के गुण होते हैं। यानी कि जो भी स्किन की प्रॉब्लम होती है, ज्यादातर हमें फंगल होती है, अगर किसी प्रॉब्लम है या डैंड्रफ हो रहा है तो शैम्पू में 20 बूंद, हेयर ऑयल में 20 बूंद मिला ले। अगर किसी को मसल एक हो रहा है तो अपने सलोन हेयर ऑयल या नारियल का तेल या तिल के तेल में 30 ml में इसको 100 बूंद मिला के इसको अगर इस्तेमाल करता है तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। और बेहतरीन आर्थो ऑयल अगर बनाना है तो अमृत शक्ति, लौंग, पुदीना, कपूर, अजवाइन के 10 कैप्सूल्स, गार्लिक पल्स के 10 कैप्सूल्स, 100 ml में 100 ड्रॉप्स टी ट्री ऑयल अलॉन्ग विद 30 ml ऑफ कोकोनट ऑयल, एक बेहतरीन आर्थो ऑयल तैयार होगा जिसमें आपको पेनिट्रेट करेगा, अब ये काम करेगा। अब ये पेनिट्रेशन पावर क्या है, कोई भी अच्छा से अच्छा तेल अगर आपकी स्किन में नहीं जा रहा है अंदर तो काम नहीं करेगा। तो मैं इसका एक लाइव डेमो दोस्तों करके दिखा रहा हूँ कि हमारा मोदी केयर का टी ट्री ऑयल काम कैसे करता है। तो मैं एज ए स्किन को ट्रीट कर रहा हूँ, ये मैं गुब्बारा फुलाता हूँ सर, ये गुब्बारा मेरा फूल गया, तैयार हो गया है। और सर ये गुब्बारा आप इसको पकड़िए सर, ऐसे यहाँ पे पीछे इसकी पूंछ पकड़ लीजिए बस, ओके। ये गुब्बारा है, वी कैन ट्रीट दिस एज अ लेयर ऑफ स्किन, जैसे हमारी 3 लेयर होती है एपिडर्मिक लेयर, तो क्या ये जाता है, तो एक नॉर्मल हेयर ऑयल है, बादाम का तेल विटामिन ई के साथ आता है, इसको मैं डालता हूँ सर एक बूंद दो बूंद। अब क्या ये गुब्बारा नहीं फट रहा है, क्योंकि ये इसके अंदर नहीं जा रहा है। अच्छे से अच्छा तेल तब काम करेगा जब उसके जड़ों में जाए, स्कैल्प में जाए, स्कैल्प के जो इन्फेक्शन होते हैं दाने मुहासे, कील मुहासे, दांत, खाज, खुजली, एक्जिमा, चोट, मोच, दर्द सब में काम करता है। इसकी देखिए एक बूंद मैं डालता हूं तो गुब्बारा क्या होता है, फट गया, यानी ये स्किन में जा रहा है, स्किन में पेनिट्रेट करता है। स्किन की कोई इन्फेक्शन है तो यहां पे आप लगा के देखेंगे तो ये पूरी तरह से पेनिट्रेट हो जाता है। अब किसी को एक्जिमा है, दांत, खाज, खुजली है, चोट, मोच, दर्द है, वहां पे आप लगाएं तुरंत आराम मिलेगा। किसी को स्वेलिंग आ गई, चोट लग गई, 30 सेकंड के अंदर उसको आराम मिलता है, 1 मिनट के अंदर आराम मिलता है। किसी को झाई वाई है, पिगमेंटेशन है या कोई भी सोराइसिस की, स्किन सोराइसिस की प्रॉब्लम है, उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। इसके साथ हम लोग डिटॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, नीम, त्रिफला, कालमेघ, ग्रीनग्रास रूट, कुटकी, बरूची, सुबह शाम खाली पेट और साथ में इसको लगाना है, एक बेहतरीन आपको एक कोई भी स्किन की प्रॉब्लम है उसमें दूर करेगा। तो ये घर में रहेगा तो बता दो दोस्तों क्या क्या चीजें को रिप्लेस करता है। अगर टी ट्री ऑयल आपके घर के अंदर है तो उसको दवा की दुकान बोली जाती है मोदी केयर में, ये आपके घर से डिटॉल को रिप्लेस कर देगा, कहीं भी कट जाता है तुरंत लगा लीजिए, कहीं भी जल जाता है तो बरनाल की जरूरत नहीं है, आप इसको तुरंत लगा लीजिए। आप शहद के अंदर 4 चम्मच मिला के इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको जलने के दाग भी नहीं रहेंगे वहां पे और ठंडक पहुंचाएगा कटने पे, जलने पे, फिर चोट मोच दर्द में तो मैंने बता दिया, इसको डायरेक्ट अप्लाई करना है। और ज्यादा अर्थ ऑयल बनाना है तो गार्लिक पल्स के साथ उसको मिक्स कर लेना है। इसके अलावा दांत, खाज, खुजली वहां पे भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, कांच लग गया डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को वायरल फीवर आ जाए तो 4 बूंद डाल के वहां पे लेगा, उसका वायरल फीवर दूर हो जाएगा। आपको सोराइसिस है, कोई भी प्रॉब्लम है, सर्दी, जुकाम, बुखार भी है, चेस्ट पे मसाज करेंगे, फटी हुई बीमारियां हैं, तो उसके 90-80 यूजेस हैं, तो ये इसको बेहतरीन आप इसको घर में जरूर रखें। थैंक यू वेरी मच।